सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। आज हम विजिट करने वाले हैं रेडी टू मूव 3 BHK विला इन पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्टे। इससे पहले हमने पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्टे में 4 BHK विला कवर किया था एंड वी वर रिक्वेस्टेड टू कवर अ स्टार्टिंग रेंज विला इन दिस सोसाइटी। लोकेशन की बात करें तो दिस इज सेक्टर जीटा 1 ग्रेटर नोएडा। तो दिस इज 3 BHK प्लस सर्वेंट विला। साइज की बात करें तो दिस इज 1742 स्क्वायर फीट। एंटर करते ही आपको 1310x79 का एक पॉश एरिया मिल जाता है जिसको आप पार्किंग एरिया से डिनोट करते हो। So this is your 5 feet wide veranda space to your villa. So entering to your villa, आपको 11x21 अराउंड का एक ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है। अगर आप लीज होल्ड विला की बात करते हैं तो यू वोंट गेट अ विला रीजनेबल देन दिस। सो दिस इज योर किचन स्पेस। डायमेंशन की बात करें तो दिस इज 8x10 अराउंड। सो दिस इज योर कॉमन वॉशरूम। इसके डायमेंशन की बात करें तो 5x5.5 अराउंड का ये कॉमन वॉशरूम है। सो बैकयार्ड की बात करें तो आपको 75 स्क्वायर फीट का एक वरांडा स्पेस मिल जाता है बैकयार्ड में। सो ग्राउंड फ्लोर के लेआउट की बात करें तो यू गेट अ किचन, अ कॉमन वॉशरूम एंड योर ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया इन द ग्राउंड फ्लोर। बेडरूम्स की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पे आपके 2 बेडरूम आ जाते हैं एंड द थर्ड बेडरूम इज ऑन द सेकंड फ्लोर अलॉन्ग विद योर टेरेस एरिया। सो एंटरिंग टू द फर्स्ट फ्लोर एंड मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द विला, ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है जिसका डायमेंशन है 13x7x10 अराउंड का। प्रोजेक्ट के ऑफरिंग की अगर हम बात करें तो 104 एकड़ में बना हुआ ये प्रोजेक्ट है। 1900 प्लस विलाज हैं इस पर्टिकुलर सोसाइटी में। अगर कनेक्टेड वॉशरूम की बात करें तो दिस डज हैव अ ड्रेसिंग एरिया अलॉन्ग। ड्रेसिंग एरिया के डायमेंशन की बात करें तो दिस इज 5x4.5 और वही अगर हम वॉशरूम की बात करें तो उसका डायमेंशन आपका 5x8.5 अराउंड है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड बेडरूम, 11x13.4 का डायमेंशन होगा इस पर्टिकुलर बेडरूम का अलॉन्ग विद योर वॉशरूम जिसका डायमेंशन 7.5x5.5 अराउंड है। अगर वही बालकनी की बात करें तो दिस बालकनी इज अराउंड 5 feet वाइड। इस विला के प्राइस रेंज की बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 74 lakh rupees। पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट की बात करें तो आपको रेडी टू मूव विलाज मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर सोसाइटी में। सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड फ्लोर, जो फाइनल थर्ड बेडरूम है हमारा, दैट इज ऑन द सेकंड फ्लोर। एंटर करते हैं इसमें तो 13x7x10 का डायमेंशन है इसका अलॉन्ग विद योर वॉशरूम एरिया। 5x8.5 का डायमेंशन है इस पर्टिकुलर वॉशरूम का। इस पर्टिकुलर विला में जो आपको सर्वेंट रूम मिलता है दैट इज ऑन दी टॉप फ्लोर। सर्वेंट रूम के डायमेंशन की बात करें तो 5x8.5 का सर्वेंट रूम है आपका और वही अगर सर्वेंट के वॉशरूम की बात करते हैं तो 5x4 अराउंड का आपका सर्वेंट का वॉशरूम है। सो नाउ दिस इज एन ओपन टेरेस एरिया टू योर विला। टू नो मोर अबाउट दिस प्रॉपर्टी यू कैन कनेक्ट अस ऑन दी नंबर मेंशन ऑन दी स्क्रीन और यू कैन कमेंट अस बिलो इन दी कमेंट बॉक्स। जैसा कि हर बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इनकेस आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। वी विल बी बैक विद द न्यू कंटेंट टुमारो। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।